अस्सलामुअलैकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सर। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अनाउंसमेंट आई और पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में चले क्या कुछ कंसर्न। अस्सलाम वालेकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। लास्ट वीक जिस तरह का मोमेंटम हमने मार्केट के अंदर देखा था, इस वीक भी वो चीज़ कंटिन्यू रही, लेकिन उस तरह नहीं थी जिस तरह लास्ट वीक हमने एक वॉल्यूम वाइज जो है ग्रोथ देखी थी। पिछले जो कुछ हफ्तों से बिल्कुल ड्रैप हुए हुए थे वॉल्यूम, और लास्ट वीक हमने देखा था कि एक वॉल्यूमेट्रिक भी जो है उसमें ग्रोथ नज़र आई। दूसरा, इस वीक थोड़े से वॉल्यूम डल हुए हैं, उसके साथ साथ मार्केट के कुछ सेशन अप्स एंड डाउन्स रहे। फ्राइडे वाला सेशन जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा, और मार्केट ने जो है 600+ पॉइंट के साथ जो है आज का दिन जो है क्लोज किया। इस तरह पूरा ओवरऑल जो वीक है 761 पॉइंट के साथ 42,875 के लेवल पे जो है केसी 100 इंडेक्स बंद हुआ है। ओवरऑल मार्केट में जिस तरह चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, डेवलपमेंट जिस तरह हो रही हैं, और हम कुछ डिस्कस भी करते आ रहे हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसमें जो एक IMF से रिलेटेड जो एक लेटर ऑफ इंटेंट था वो पाकिस्तान मिल गया, और 24 तारीख को पाकिस्तान के जो बोर्ड की जो IMF के बोर्ड की मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया जाएगा, और वहाँ से अप्रूवल के बाद एक्सपेक्टेड है कि शायद हमें 24th को अप्रूवल मिल जाती है, तो 1 से 2 दिन के अंदर हमें जो है वो IMF की तरफ से 1.2 बिलियन तक की डिसबर्समेंट जो है हो जाएगी, जिसके बाद हमारे पास फ्रेंडली कंट्रीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट सोर्सेज से जो है हमारे पास इन्फोज आना शुरू हो जाएंगे। उसी चीज़ को देखते हुए मार्केट में जो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहा। लोगों को, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है खासतौर पर रिटेल साइड पर और म्यूचुअल फंड साइड पर, यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस वापस से इंक्रीज़ हुआ है, और जो है लोग एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें भी जो है वो हमें देखा कि उसमें भी जो है तेज़ी नज़र आई है। इसके साथ साथ ओवरऑल रुपी जो है अगेंस्ट USD जो है स्ट्रांग होता जा रहा है। जिस तरह हमने लास्ट वीक भी देखा था कि रुपी ने जो रिकवर किया, इस वीक भी वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा, और वीक एंड पे जो है 215 रुपये पे जो है वो डॉलर जो है वो बंद हुआ है, और आगे एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमारे पास इनफ्लोज आते हैं तो ये फर्दर और यहाँ से और नीचे जा सकता है। इसके बाद कॉर्पोरेट सीज़न का हमने डिस्कस किया था कि लास्ट की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कॉर्पोरेट सीज़न चल रहा है, कॉर्पोरेट रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, और वो सीज़न कंटिन्यू हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इतने अच्छे रिजल्ट ना होंगे, लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और अगर सुपर टैक्स का इंपैक्ट निकाल दें तो कंपनीज ने बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पोस्ट की है। तो ये रिजल्ट सीज़न आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और ये पूरा मंथ जो है मंथ एंड तक जो है रिजल्ट सीज़न हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और हम इसकी वजह से हमें जो है वो ये भी एक मार्केट को थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ 22nd को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, और उसमें दोनों साइड से एक मिक्स कंसेंसस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद पॉलिसी रेट स्टेबल रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह डिक्लाइन हुई, खासतौर पर ऑयल की प्राइसेस, उसके साथ साथ जो T-bills और PIBs की यील्ड है वो भी ऐसा उसमें कोई खास इंक्रीज नहीं देखा है। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी रेट को शायद स्टेबल रखें, और शायद फर्दर 6 वीक जो है और वेट करें, ताकि नेक्स्ट मंथ अगर कोई इन्फ्लेशन काम डाउन नहीं होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी उसमें जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट फर्दर और इंक्रीज लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी ऑन एवरेज 18-20% के आसपास इस पूरे फिस्कल ईयर में रह सकती है, और अगर उसके अगेंस्ट अगर हम देखें, इस वक्त हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रेट 15% है, तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त भी नेगेटिव है, तो उसे थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए या उसे जो है करीब करीब ले जाने के लिए शायद यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से मार्केट का इस तरह का कंसेंसस है कि शायद कुछ इंक्रीज़ भी हो सकता है, मार्केट काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट भी कर चुकी है। इस तरह एक्सप्लोरेशन साइट पे हमने देखा कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली इस वीक, जिस तरह कुछ खबरें आ रही है कि UAE इन्वेस्ट करेगा, और गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई है जिसमें जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो डिविडेंड नहीं देती है या बहुत कम डिविडेंड देती है, तो उनसे रिलेटेड भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, और ये चीज़ डिस्कस की गई है, और इस पर जो है वो है कि 2-3 हफ्ते के अंदर इस पर कोई कॉन्क्रीट जो है फैसला जो है लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने ओवरऑल मार्केट को जो है पूरे वीक में जो है वो सपोर्ट करती रहीं। रिफाइनरीज के अंदर जो है काफ़ी सबसे ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक लीडर रहा है इस वीक भी, और रिफाइनरीज में एक्सपेक्टेशन है कि इस फिस्कल ईयर के जो रिजल्ट हैं वो बहुत जो है वो अच्छे होंगे, क्योंकि इन्वेंट्री गेन वगैरह और जिस तरह मार्जिनस थे इनमें खासतौर पर जो मार्जिनस थे वो बहुत अच्छे थे, ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो एक रिकॉर्ड रिजल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये वो स्टॉक हैं, वो सेक्टर
सेक्टर्स हैं जिनमें जो है हमने सबसे ज़्यादा काम देखा। स्क्रिप्ट वाइज बात करें तो सेनर्जी PRL WTL के अंदर सबसे ज़्यादा काम देखा गया है। पॉजिटिव जो मार्केट रही है इस पूरे वीक 761 पॉइंट्स जो इनक्रीज आया उसके अंदर जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन थे उसमें OGDC PPL जैसे मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लोरेशन साइट पर बड़ा काम हुआ। इसके अलावा मिजान बैंक और पॉल, मिजान बैंक ने जिस तरह का रिजल्ट दिया, एक्स्ट्रॉडनरी रिजल्ट, बोनस और डिविडेंड दोनों चीज़ें अनाउंस की जिसकी वजह से हमने जो इसकी प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन देखी। थोड़ा डाउनवर्ड साइड पर बात करें जिन्होंने ओवरऑल मार्केट को डिप्रेस किया वो EPCL, EFERT, लकी और FFCL थे जिन्होंने मार्केट को जो है वो थोड़ा सा उसका जो है वो नेगेटिव या इस तरह मार्केट उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह परफॉर्म कर सकती थी। नेक्स्ट वीक के लिए यही है या गोइंग फॉरवर्ड ये कि मॉनेटरी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे को जो है नेक्स्ट मंडे जो है उसमें अनाउंस की जाएगी। तो और इससे रिलेटेड इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं वो जो है बड़ा सपोर्ट करेंगे। अभी मार्केट में आप काफ़ी लोअर मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर गुंजाइश बनती है कि अच्छे स्टॉक्स में अच्छे स्क्रिप्ट में जो है वो आप इसके काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो स्मॉल चिप कंपनीज कह लें या जो पेनी स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो गुंजाइश बनती है अभी बाय करने की। तो मेरे ख्याल से मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड जो है मुझे कंटिन्यू जो है वो नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक। थैंक यू।